Good morning students, I am Priyanka from the Wisdom School, Sirsa. How are you students? I hope you all are fine. So students, class 3rd, subject Hindi, part number 2. Last video में हमारा part number, कविता number 1, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमने वो की थी और हमारी हो चुकी है सारी. आज हम करेंगे part number 2, टैगोर की कलम से. पार्ट नंबर 2 टैगोर की कलम से. देखो बच्चों, अपनी बुक को खोलकर बैठिए और देखिए जहां मैं रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों. पार्ट नंबर 2 टैगोर की कलम से. देखिए पढ़ने की तैयारी, पहले सबसे पहले हम पढ़ने की तैयारी में देखते हैं इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, क्या प्रश्न पूछे हैं. भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था. बच्चों आपने सुना होगा भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? आपने तो बहुत सारे पक्षी देखे होंगे और ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ कि जिसने पक्षी ना देखे हो. देखिए चिड़िया, तोता, मैना, मोर, सब पक्षी देखे होंगे. तो आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. पिंजरा और घोंसले में क्या अंतर है? अब देखिए इस चित्र में पक्षी जैसे इसमें कैद हैं, ये एक पिंजरा है, ये इनके लिए पिंजरा कैद खाना हो गया, एक जेल की तरह हो गया एक पिंजरा. और घोंसला, घोंसला जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अब हमारी मर्जी होती है, हम जब मर्जी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता. इसी तरह पक्षियों के लिए घोंसला होता है, वो जब उनका मन करता है, जब उड़ान भरते हैं, जब उनको आराम करना होता है, वो अपने घोंसले में आ जाते हैं. तो बेटे यही इनका अंतर है, पिंजरा और घोंसले में यही अंतर है. आगे देखिए, प्रस्तुत पाठ में विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी लेखनी से अपने बचपन से जुड़े संस्मरणों को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया है जिनको पढ़कर हम उसी परिवेश में कुछ समय के लिए जीने लगते हैं. तो बच्चों आइए देखिए पाठ में क्या लिखा है. हमारा घर बहुत बड़ा था, आस पास के घर भी बड़े बड़े थे, कई घरों की छतें एक दूसरे के पास पास थी, मोहल्ले के लड़के उन पर पतंग उड़ाते थे, रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थी, पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते थे, भाते मीन्स अच्छे लगते थे, कई बार तो डार की डार पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते थे. डार की डार मीन्स एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में. आपने कई बार आकाश में देखा होगा कि एक ही लाइन में पक्षी उड़ते हुए जाते हैं और आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो. आगे देखिए, ऐसा लगता था कि मानो वे हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों, होड़ मीन्स रेस यानी प्रतियोगिता लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है, कौन ऊंचा उड़ता है. उन दिनों लोगों को पक्षी पालने का बहुत शौक था, मींस चाव था. हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते थे. पिंजरे में रंग बिरंगी चिड़िया चीखती चिल्लाती पंख फड़फड़ाती रहती थी, उनकी आवाजों से मेरा मन दुखी हो जाता था. इसे मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे. विस्तृत मीन्स बड़े आकाश में, जो मुझे आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे. अब क्या कहते हैं इसमें टैगोर जी, कहते हैं कि देखिए मैं इन पक्षियों को पिंजरे में देखता हूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है, इनको आज़ाद देखना उदास हो जाता था और मैं इन पक्षियों को आज़ाद देखना चाहता हूँ. आइए अब ये देखिए, जब ये किसी पिंजरे में लटके पक्षियों को पिंजरे में कैद देखते हैं तो ये बहुत उदास रहते थे. अब देखिए, मेरी मंझली भाभी की को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़ियों पालने का शौक हुआ. मंझली, मंझली मीन्स होता है बेटा बीच की भाभी. मेरी बीच की भाभी को भी अपनी सहेलियों को देखा देखी चिड़ियां पालने का शौक हुआ. वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी. आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं. मैंने भाभी से विनती की, विनती मीन्स प्रार्थना की,
मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को न लाएं, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। टैगोर जी ने क्या किया, अपनी भाभी से प्रार्थना की कि आप पक्षियों को न लाएं, जो पिंजरे में कैद पक्षी होते हैं वो अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। अब टैगोर जी क्या कह रहे हैं, मैं उन दिनों में 8-9 वर्ष का बालक ही था, जैसे अब आप हैं। मेरी बात कौन सुनता, भाभी चार रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठे पक्षी चिल्ला रहे थे, भाभी हंस हंस कर उन छोटी छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह कितनी सुंदर चिड़िया है, सब खुश थे बस मैं ही उदास था। तो देखिए बच्चों, अब हमने हमें टैगोर जी ने जो हमें पाठ में बताया, और जब वो 8-9 वर्ष के थे, वो एक कितना मतलब एक पिंजरे में पक्षियों को देखकर कितना उदास होते थे, जब वो चिड़ियाँ चहचहाती थी फड़फड़ाती थी उनका मन बहुत उदास होता था। तो इसलिए बेटे आज हम इस लेसन को हम यहाँ तक ही रीड करेंगे। आप अपना निशान लगा लीजिए, यहाँ तक हम इसे रीड करेंगे सिर्फ, और आपने अपने घर पर बैठकर भी यहाँ तक ही रीड करना है। यहाँ तक मैंने आपको निशान लगाया है, तो आप भी अपनी पेंसिल से निशान लगा लीजिए, यहाँ तक आपने रीड करना है और समझना है। जो आगे का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। और आगे देखिए बेटे, इसमें जो जो हमारे इस पाठ के दौरान जो हमने पढ़ा है उसके दौरान जो शब्दार्थ आए हैं वो मैं आपको एक बार करवा देती हूँ। देखिए, भाना, भाना का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना। होड़, होड़ मीन्स होता है प्रतियोगिता। विस्तृत, फैला हुआ, मतलब जैसे आकाश, कोई उसका आकार नहीं। आगे है डार की डार, झुंड के झुंड, मतलब ठीक है ना बच्चे, डार की डार झुंड के झुंड। शौक, चाह, रुचि, मंजली बीज की, मंजली बीज की। तो देखिए एक यहाँ रह गया विनती, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। अब जो जो मैंने यहाँ निशान लगाए हैं, भाना, होड़, विस्तृत, विनती, डार की डार, शोक, मंजली, ये जो है 7 आपके शब्दार्थ हैं। ये आपने अपनी नोटबुक पर इसे अच्छे से राइट करने हैं और लर्न करने हैं। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो बेटे बाय, हैव अ नाइस डे।